भाइयों के पारस्परिक बर्ताव और उपवास के फल का वर्णन। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, बड़े भाई का अपने छोटे भाइयों के साथ और छोटे भाइयों का अपने बड़े भाई के साथ कैसा बर्ताव होना चाहिए, यह बताने की कृपा कीजिए। भीष्म जी ने कहा, बेटा, तुम अपने भाइयों में सबसे बड़े हो, अतः बड़े के अनुरूप ही बर्ताव करो। गुरु का अपने शिष्य के प्रति जैसा बर्ताव होता है, वैसा ही तुम्हें भी अपने भाइयों के साथ करना चाहिए। यदि गुरु अथवा बड़े भाई का विचार शुद्ध न हो, तो शिष्य या छोटे भाई उसकी आज्ञा के अधीन नहीं रह सकते। बड़े के दीर्घदर्शी होने पर छोटे भाई भी दीर्घदर्शी होते हैं। बड़े भाई को चाहिए कि वह अवसर के अनुसार अंध, जड़ और विद्वान बने, अर्थात यदि छोटे भाइयों से कोई अपराध हो जाए, तो उसे देखकर भी ना देखे, जानकर भी अनजान बना रहे और उनसे ऐसी बात करे जिससे उनकी अपराध करने की प्रवृत्ति दूर हो जाए। यदि बड़ा भाई प्रत्यक्ष रूप से अपराध का दंड देता है, तो उसके ऐश्वर्य को देखकर जलने वाले और फूट डालने की इच्छा रखने वाले कितने ही शत्रु उनमें मतभेद पैदा करा देते हैं। जेठा भाई ही अपनी इच्छा नीति से कुल को उन्नतिशील बनाता और वही कुनीति का आश्रय लेकर उसे विनाश के गर्त में डाल देता है। जहां बड़ा भाई का विचार खोटा हुआ, वहां वह अपने समस्त कुल को चौपट कर देता है। जो बड़ा होकर छोटे भाइयों के साथ कुटिलता पूर्ण बर्ताव करता है, वह ना तो बड़ा कहलाने योग्य है और ना ज्येष्ठांश पाने का ही अधिकारी है। उसे तो राजाओं के द्वारा दंड मिलना चाहिए। कपट करने वाला मनुष्य पापमय लोकों में जाता है। उसका जन्म बेंत के फूल की भांति निरर्थक ही माना गया है। जिस कुल में पापी पुरुष जन्म लेता है, उसके लिए वह संपूर्ण अनर्थों का कारण बन जाता है। पापी मनुष्य कुल में कलंक लगाता और उसके सुयश का नाश करता है। यदि छोटे भाई भी पाप कर्म में लगे रहते हो, तो वे पैतृक धन का भाग पाने के अधिकारी नहीं है। छोटे भाइयों को उनका न्यायोचित भाग दिए बिना बड़े भाई को पैतृक संपत्ति का भाग दहेज में नहीं देना चाहिए। यदि बड़ा भाई पैतृक धन की सहायता लिए बिना ही अपने परिश्रम से धन पैदा करे, तो वह उस धन का स्वतंत्र मालिक है। इच्छा न होने पर वह उसमें से भाइयों को नहीं दे सकता है। यदि भाइयों के हिस्से का बंटवारा न हुआ हो और सबने साथ ही साथ व्यापार आदि के द्वारा धन की उन्नति की हो, उस अवस्था में यदि पिता के जीते जी सब अलग होना चाहें, तो पिता को उचित है कि वह सब पुत्रों को बराबर बराबर हिस्सा दे। बड़ा भाई अच्छा काम करने वाला हो या बुरा, छोटे को उसका अपमान नहीं करना चाहिए। इसी तरह स्त्री अथवा छोटे भाई यदि बुरे रास्ते पर चल रहे हो, तो श्रेष्ठ पुरुष को जिस तरह से भी उनकी भलाई हो, वही उपाय करना चाहिए। धर्मज्ञ पुरुषों का कहना है कि धर्म ही कल्याण का श्रेष्ठ साधन है। गौरव में 10 आचार्यों से बढ़कर उपाध्याय, 10 उपाध्यायों से बढ़कर पिता और 10 पिताओं से बढ़कर माता है। माता का गौरव समूची पृथ्वी से भी बड़ा है। उसके समान दूसरा कोई गुरु नहीं है। माता का गौरव सबसे अधिक होने के कारण ही लोग उसका विशेष आदर करते हैं। पिता की मृत्यु हो जाने पर बड़े भाई को ही पिता के समान समझना चाहिए। बड़े भाई को उचित है कि वह अपने छोटे भाइयों की जीविका का प्रबंध करके उनका पालन पोषण करे। छोटे भाइयों का भी कर्तव्य है कि वे बड़े भाई को प्रणाम करें, उनकी आज्ञा में रहें और उन्हीं को पिता मानकर
उनके आश्रय में जीवन व्यतीत करें। माता पिता केवल शरीर को उत्पन्न करते हैं, किंतु आचार्य के उपदेश से जो ज्ञान रूप नवीन जीवन प्राप्त होता है, वह सत्य, अजर और अमर है। बड़ी बहन को माता के समान समझना चाहिए। इसी तरह बड़े भाई की स्त्री तथा बचपन में दूध पिलाने वाली धाई भी माता के ही समान है। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, सभी वर्णों के और मलेच्छ जाति के लोग भी उपवास में मन लगाते हैं, किंतु इसका कारण समझ में नहीं आता। सुना जाता है कि ब्राह्मण और क्षत्रियों को नियमों का पालन करना चाहिए, परंतु उपवास करने से उनके किस प्रयोजन की सिद्धि होती है, यह नहीं जान पड़ता। आप कृपा करके हमें संपूर्ण नियमों और उपवासों की विधि बताइए। उपवास करने वाले मनुष्य को क्या गति मिलती है, इसका भी वर्णन कीजिए। कहते हैं, उपवास बहुत बड़ा पुण्य है और उपवास सबसे बड़ा आश्रय है। अतः मैं जानना चाहता हूँ कि उपवास करके मनुष्य को किस फल की प्राप्ति होती है, किस कर्म के द्वारा पाप से छुटकारा मिलता है और क्या करने से धर्म का पालन होता है। भीष्म जी ने कहा, युधिष्ठिर, उपवास करने में जो उत्तम गुण हैं, उन्हें जानने के लिए जिस तरह आज तुमने मुझसे प्रश्न किया है, इसी प्रकार मैंने भी पूर्व काल में परम तपस्वी अंगीरा मुनि से प्रश्न किया था। मेरा प्रश्न सुनकर अग्नि नंदन अंगीरा ने इस प्रकार उत्तर दिया, कुरु नंदन, ब्राह्मण और क्षत्रिय के लिए 3 रात उपवास करने का विधान है, कहीं कहीं 6 रात और 1 रात के उपवास का भी उल्लेख मिलता है। धर्मशास्त्र के ज्ञाताओं ने वैश्य और शूद्रों के लिए लगातार 4 वक्त अर्थात 2 दिनों का उपवास बताया है। उनके लिए 3 रात के उपवास का विधान नहीं है। यदि मनुष्य पंचमी, षष्ठी और पूर्णिमा के दिन अपने मन और इंद्रियों को काबू में रखकर उपवास अथवा 1 वक्त भोजन करे, तो वह क्षमावान, रूपवान और विद्वान होता है। उसे कभी संतानहीन और दरिद्र होने का अवसर नहीं आता। जो पुरुष अष्टमी तथा कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को उपवास करता है, वह निरोग और बलवान होता है। जो प्रतिदिन सवेरे और शाम को ही भोजन करता है, बीच में जल तक नहीं पीता तथा सदा अहिंसा परायण होकर नित्य अग्निहोत्र करता है, वह 6 वर्षों में सिद्धि प्राप्त करता है तथा वह अग्निष्टोम यज्ञ का फल प्राप्त करता है। यही नहीं, वह विमान पर बैठकर ब्रह्मलोक में जाता और वहां 1000 वर्षों तक सम्मान पूर्वक निवास करता है। फिर पुण्य क्षीण होने पर इस लोक में आकर महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त करता है। और जो पुरुष पूरे 1 वर्ष तक प्रतिदिन 1 बार भोजन करता है, वह अति रात्र यज्ञ के फल को प्राप्त होता तथा 10,000 वर्ष तक स्वर्ग में रहता है। फिर वहां से लौटने पर महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त करता है। जो 1 वर्ष तक 2-2 दिन पर भोजन करके रहता है तथा साथ ही अहिंसा, सत्य और इंद्रिय संयम का पालन करता है, उसे वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है और वह 10,000 वर्षों तक स्वर्ग लोक में सम्मान प्राप्त करता है। जो 1 साल तक 3-3 दिनों पर अन्न ग्रहण करता है, वह अश्वमेध यज्ञ के फल का भागी होता है और विमान पर आरूढ़ हो स्वर्ग में जाकर 40,000 वर्षों तक आनंद भोगता है। जो मनुष्य 4 दिनों पर भोजन करता हुआ 1 वर्ष तक जीवन धारण करता है, उसे गवामय यज्ञ का फल मिलता है तथा वह 50,000 वर्षों तक स्वर्ग में सुख भोगता है। जो एक एक पक्ष का उपवास करके वर्ष भर तपस्या करता है, उसको 6 मास तक अनशन करने का फल मिलता है और वह 60,000 वर्षों तक
स्वर्ग में निवास करता है। जो एक वर्ष तक प्रति मास एक बार जल पीकर रहता है, उसे विश्वजित यज्ञ का फल मिलता है और वह 70,000 वर्षों तक स्वर्ग में आनंद का अनुभव करता है। एक महीने से अधिक का उपवास किसी को नहीं करना चाहिए। जो बिना रोग व्याधि के अनशन व्रत करता है, उसे पद पद पर यज्ञ का फल मिलता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। ऐसा पुरुष दिव्य विमान पर बैठकर स्वर्ग में जाता और वहां 1,00,000 वर्षों तक आनंद भोगता है। दुखी अथवा रोगी मनुष्य भी यदि उपवास करता है, तो वह 1,00,000 वर्षों तक सुखपूर्वक स्वर्ग में निवास करता है। वेद से बढ़कर कोई शास्त्र नहीं है, माता के समान कोई गुरु नहीं है, धर्म से बढ़कर कोई लाभ तथा उपवास से बढ़कर कोई तप नहीं है। इस लोक और परलोक में जैसे ब्राह्मणों से बढ़कर कोई पावन नहीं है, उसी प्रकार उपवास के समान कोई तप नहीं है। देवताओं ने विधिवत उपवास करके ही स्वर्ग प्राप्त किया है तथा ऋषियों को भी उपवास से ही उत्तम सिद्धि प्राप्त हुई है। परम बुद्धिमान विश्वामित्र जी 1,000 दिव्य वर्षों तक प्रतिदिन एक वक्त भोजन करके भूख का कष्ट सहते हुए तप में लगे रहे। इससे उन्हें ब्रह्मणत्व की प्राप्ति हुई। चैवन, जमदग्नि, वशिष्ठ, गौतम और भृगु ये सभी क्षमावान महर्षि उपवास करके ही दिव्य लोकों को प्राप्त हुए हैं। कुंती नंदन, महर्षि अंगीरा की बतलाई हुई इस उपवास व्रत की विधि को जो प्रतिदिन क्रमशः पढ़ता और सुनता है, उस पुरुष का पाप नष्ट हो जाता है। वह सब प्रकार के संकीर्ण पापों से छुटकारा पा जाता है तथा उसके मन पर कभी दोषों का प्रभाव नहीं पड़ता। इतना ही नहीं, वह पशु पक्षियों की बोली को भी समझने लगता है और संसार में उसकी अक्षय कीर्ति फैल जाती है।